गुलाब सबके जान गुलाब सबके जान गुलाब हमर नाम गुलाब सबके जान गुलाब हमर नाम गुलाब सबके जान गुलाब आया।
सीख गए क्या अंकल? कड़क निकाल लो, तुम ही निकाल लो, चाहिए काम है ना मुझे, मैं आगे दिखाऊंगा, ट्रांसफर करूंगा। गौर करो अपनी कंपनी पे, म्यूजिक इंडिया। आज मुहूर्त हुआ इस्लामाबाद से इलाहाबाद, इलाहाबाद से इस्लामाबाद जी। कहते हैं मौका भी दस्तूर भी, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक अच्छी फिल्म की शुरुआत हुई है आज। इलाहाबाद से इस्लामाबाद टाइटल जितना ही कंट्रोवर्शियल लग रहा है, सब्जेक्ट भी उतना ही कंट्रोवर्शियल होगा, और मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि
रोज़ रूटीन जो हम मैं रोल्स कर रही हूँ या जो मैंने किए हैं उनसे थोड़ा अलग किरदार होगा। कमर्शियली कहेंगे फिल्म को, क्योंकि मेज मसाला ज़रूरी होता है सब्जेक्ट में, तो आई होप कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट तैयार हो रहा है। काफ़ी शेड्स हैं मेरे किरदार में, डांसिंग भी देखेंगे, इमोशन भी देखेंगे, एक्शन तो खैर होगा ही मेरा इस फिल्म में, लेकिन उसके साथ एक इमोशन बहुत बड़ा जुड़ा होगा इस कैरेक्टर में। गुलाबो कैरेक्टर है मेरा, जो डांसिंग से किस तरह से ट्रेजेडी की तरफ बढ़ जाती है, और जो आजकल काफ़ी जो माहौल हो गया है आतंकवादियों का या बम ब्लास्ट, काफ़ी जो चीज़ें हैं जिससे वो उब चुकी है, जो एक डांसर जो इंटरटेन करने वाली गुलाबो किस तरह से ट्रेजेडी वाली कैरेक्टर में चली जाती है, एक उस तरह किरदार है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा ये 3-4 शेड को एक साथ प्ले करना। रानी बात करें ये शेड्यूल की, तो ये कब तक फ्लोर और कहाँ पे शूट होगा? आई होप अभी हम 2 महीने बाद इसको शूट शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी शूट मैक्सिमम राजस्थान या फिर हम लोग काठमांडू साइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों के जो लोकेशंस हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ले जाना है हमें फिल्म को, तो 2 महीने के बाद आई थिंक हम लोग शुरू करेंगे। रानी अगर बात करें इलाहाबाद से इस्लामाबाद, उसमें अलग क्या दिखेगी रानी चटर्जी? अलग चूँकि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ही अलग दिखने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट दिखने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैरेक्टर के शेड्स काफ़ी आएंगे, जो एक डांसर से किस तरह से इमोशन को लेकर फिर एक्शन में आ जाती है, वो कैरेक्टर के शेड्स हैं, और मैं उसको बेखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चेंज हो लगेगा, लुक चेंज लगेगा, कभी बहुत ग्लैमरस लुक में नज़र आऊँगी, कभी बिल्कुल भी मेकअप यूज़ नहीं करने वाली हूँ कुछ जगह पर, तो आई होप कि लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस लगेंगे। डायरेक्टर की बात करें साहिल की, तो कैसा? ही इज़ वेरी गुड राइटर, उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं पहले। एज अ डायरेक्टर मैं उनके साथ पहली बार काम करूँगी, बट ये एक होप है, मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा डायरेक्शन देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी फिल्में की हैं, और मेरी फिल्म थी साली बड़ा सतावेली, उसमें वो राइटर थे, वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और एक अच्छा एक्टर मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेखूबी से अच्छे ढंग से फिल्म को बना सकते हैं। चलते चलते रानी ये चाहेंगे कि दीपावली नज़दीक आ रहा है, तो हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, दिवाली मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन पटाखों से थोड़ा दूर रह के बहुत शोर शराबा ना करें, बहुत ही खुशियों से दीप जलाकर दीपावली मनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। रानी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी तक नहीं है और सिर्फ क्या कहना चाहेंगे, आज मुहूर्त हो रहा है तो कितनी खुशी। सो दिस इज माई फर्स्ट भोजपुरी मूवी। ओके, आई एम फ्रॉम बेंगलोर, आई एम फ्रॉम केरला गए। So why people are asking so much questions, why you are doing Bhojpuri movies? You can do movies in South and Tamil and Telugu. But I am telling you, because I like Bhojpuri language, even I watch all the movies in Bhojpuri. So I want to do a start, the start I have to do with Bhojpuri movie. I want to do a lot of movies, not only this one, so in continuously I will do, in the future I will do more movies in Bhojpuri. साहिल बात करें रानी चटर्जी की, तो आपने कोई फिल्में देखी है इनकी? इनका रानी चटर्जी के साथ मूवी, ना तो रानी चटर्जी, मैंने अमरीश का मूवी देखे, सब सबका मूवी देखता है मैं भोजपुरी में। सो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है भोजपुरी में, और सब लोग ये देखना है, मुझे विश करना है, मुझे आपको सबको ब्लेसिंग चाहिए। जी साहिल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे उनको बोलना। चलो साहिल, क्या कहना चाहेंगे इलाहाबाद से इस्लामाबाद, आज मुहूर्त हो रहा है, कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है, कितनी खुशी हो रही है एज ए डायरेक्टर आपको? मैंने साहिल चंदी, साहिल चंदी मेरा नाम है, और भोजपुरी सिनेमा का बतौर निर्देशक ये मेरी 4th-5th फिल्म है। हिंदी भी मैंने 2-3 फिल्में की हैं। आपने बड़े शेर व शायरी से शुरू की, तो शेर व शायरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा, रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, और इस बार मौका मिला है तो इस बार पाकिस्तान इस्लामाबाद जाके कुछ ना कुछ बेहतर और बेहतर तस्वीर बदल देने के आए हैं। तो आई होप सो ये एक
प्राइमरी फैक्टर जिसको बोलते हैं मुहूर्त, यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है। तो बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी होप्स लेकर आप मीडिया के मित्रों के बीच उपस्थित हूँ। दुआ करता हूँ कि वो जो चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ आप लोग हमें ब्लेस करें, हमें अंदर से दुआ दे कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। सर बात करें कहानी की, किस प्रकार का कहानी है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा जरूर। नाइस क्वेश्चन ब्रदर। बेसिकली सर आवर टाइटल इज इलाहाबाद टू इस्लामाबाद। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जब कभी भी, चाहे वो क्रिकेट खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीति विसात का मैदान हो, चाहे वो फौज की रिवेंज वगैरह की बात जो है, अक्सर तो क्लैपिंग्स बनता है, मसाला बनता है। जब कभी भी पाकिस्तान को हम कुछ भी हराते हुए दिखाते हैं तो इंडिया में जो है तिरंगा झंडा की बाढ़ आ जाती है। तो आई होप सो उसी चीज़ को बुलाने की कोशिश किया है हमने एक सच्ची घटना को लेकर। एक सीधे साधे बंदे अगर आतंकवाद से प्रभावित होते हैं और वो ठान लेते हैं, जबकि वो बहुत दलित शोषित वर्ग से है, उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को भी मार सके, वो किसी व्यक्ति विशेष से भी लड़ाई कर सके, लेकिन अगर मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हो और वो ठान लेता है कि हाउ वी कैन किल हिम, हाउ वी विल रिवेंज देम, देन उसी चीज़ों पर आधारित अपने सिनेमा है। तो इमोशंस, कंटेंट्स, एक्शंस, रोमांस, सारा चीज़ है, मतलब फुल्ली मसाला पैकेज ऑफ द भोजपुरी सिनेमा इलाहाबाद से इस्लामाबाद। सर किरदार की बात करें तो कौन कौन फाइनलाइज हुआ है और कौन? बेसिकली वी हैव ओनली एट प्रेजेंट रानी चटर्जी एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ टैलेंटेड एक्टर एंड एक्ट्रेस इन दिस सिनेमा, दैट्स इन आवर माइंड। रानी चटर्जी इज द मेन पिलर ऑफ दैट सिनेमा। सी गोज टू इलाहाबाद से इस्लामाबाद एंड देन सी विल रिवेंज देयर। तो अभी वो है, बाकी बहुत सारे संभावित कलाकार हैं जो सिनेमा की जरूरत है। टाइप एक बहुत ही संभावित कलाकार हैं आपके, हमारे साहिल शेख मेरे नाम से मिलता जुलता है नाम है, और भी अर्चना प्रजापति हैं, श्रद्धा कपूर है, मनीष टाइगर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आशु भाई हैं, तो बहुत सारे लोगों को लेके एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाने का प्लान है। सर आखिरी बात, आखिरी सवाल चलते चलते, आपने इलाहाबाद से कई रूट है, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, बहुत रूट है, आपने इलाहाबाद के इस्लामाबाद की ट्रेन क्यों पकड़ी? बेसिकली सर हमारी सिनेमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ दिखाते हैं कि इलाहाबाद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्मस्थान, जहाँ से एक स्टार बॉर्ड करके मुंबई की ट्रेन पकड़ के अपनी बादशाहत को पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ता है। तो हमारी सिनेमा का बेस्ट इलाहाबाद की एक नर्तकी है जो दोज आर ऑन दैट्स वे ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बनने की ख्वाहिश है उसके, वो डिजर्व करती है, लेकिन अचानक को कोई ट्रेजडी बनती है जो वो ट्रेन मुंबई आते हुए नहीं, लखनऊ आते हुए नहीं, वो मुंबई लाहौर से सीधा इस्लामाबाद पहुँचती है, बिकॉज दैट द बेस्ट ऑफ कहानी, बेस्ट ऑफ अमिताभ बच्चन बर्थ पैलेस। एंड अगर द हीरोइन जो एक नर्तकी है उसका भी जो है जन्म स्थान वही है, कर्मभूमि वही है, वही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश। साहिल जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बेहतर तरीके से हमारे हीरो भी इंट्रोड्यूस होगा, रिवेंज भी बहुत बेहतर तरीके से होगा, मोहब्बत भी बहुत बेहतर तरीके से होगा। अब नौटंकी तो अपने सिनेमा की जान है, वो तो हम लेके आए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ही अगर तमाम मित्रों का शुक्रगुजार हूँ, नवोदित डायरेक्टर का आपने इतने प्यार से इंटरव्यू लिया, और दुआ करता हूँ कि आप इस नवोदित डायरेक्टर के बारे में अच्छी अच्छी सोचेंगे भी। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू ऑल। कितनी खुशी हो रही है और क्या शुभकामनाएं देने चाहेंगे पूरे टीम को? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नासिफ जी ने मुझे यहाँ इस फंक्शन में इनवाइट किया, और फिल्म के गाने सुने मैंने, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो एंटरटेनमेंट ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इन्होंने मुझे फेस ऑफ द कंपनी करके साइन किया है। आई एम गोइंग टू बी द फेस ऑफ तुष एंटरटेनमेंट, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। नासिफ जी ने अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए मुझे चुना है, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, और मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये इस तरह का कुछ मैं पहली बार कर रही हूँ कि एक प्रोडक्शन हाउस का मैं फेस हूँ, मैं चेहरा हूँ एक प्रोडक्शन हाउस का।
I'm doing something like this for the first time. Shraddha baat kare Islamabad se Allahabad se Islamabad. Agar ispe sawar hone ka mauka mile to sawar hona chahenge. बिल्कुल सवार होना चाहूँगी क्योंकि गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, डायरेक्टर जी बहुत ही अच्छे हैं. उन्होंने मुझे रोल भी अभी सुनाया थोड़ी देर पहले जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर वो रोल मुझ पर सूट करता है तो क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी इस फिल्म में आप सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. श्रद्धा हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे इलाहाबाद से इस्लामाबाद? हाँ, इसका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, इलाहाबाद से इस्लामाबाद. बहुत ही एक अट्रैक्टिव नाम है और मैंने जब टाइटल देखा सुना बहुत बहुत अच्छा लगा जी. मतलब आप सवार हो गए हैं इलाहाबाद से इस्लामाबाद? हाँ बिल्कुल, गाने के माध्यम से तो मैं एकदम सवार हूँ. और इसका जो गाना था बहुत ही प्यारा सॉन्ग था. जब मैंने सुना कि मुझे ये गाना है तो पहले मैं धुन सुन के और लाइन पढ़ के बहुत खुश हुई और दिल से मैंने गाया है. और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को, हमारे जितने भी हमारे जो मेरे फैंस हैं उनको बहुत ही अच्छा पसंद आएगा ये गाना. जो गाना भी रिकॉर्ड हो रहा था उसके बारे में? हाँ, ये कोई और गाना भी गुनगुनाना चाहें? नहीं, मतलब फिलहाल अभी मैंने ये गाया तो मैं एक लाइन जो है जो हुक लाइन है, हमर नाम गुलाब सबके जान गुलाब, हमर नाम गुलाब सबके जान गुलाब, ये हुक लाइन है. लेकिन पूरी पूरी पूरे गाने को सुनने के लिए उनको फिल्म देखना पड़ेगा. और गाना आपका बहुत हिट हो रहा है मालाडी करके, क्या नहीं, वो ध्यान नहीं है. मैं इतने सारे गाने गाती हूँ, आपने बदुआ है लेकिन याद नहीं रहेगा. दीपावली, दीपावली के हाँ सभी दर्शकों को मैं हैप्पी दिवाली और साथ ही साथ छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी सभी दर्शकों को, सभी चाहने वालों को. हिंदू जी हमसे बात करने के लिए कल मैं साहिल सिन्नी जी का हमारे सारे टीम को मुहूर्त में आए इलाहाबाद से इस्लामाबाद, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत सारी खुशी हो रही है और इलाहाबाद से इस्लामाबाद के सारे टीम को और साहिल जी को, रानी जी को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. इलाहाबाद से इस्लामाबाद जी इतनी खुशी हो रही है और मुहूर्त है आप आए हुए जी. लाख लाख बधाई इब्राहिम जी को और साहिल जी को जो कि इलाहाबाद से इस्लामाबाद तक लोगों को पहुंचा रहे हैं. और पूरी पूरी जो टीम हो और बिल्कुल इस्लामाबाद से इलाहाबाद तक और इलाहाबाद से इस्लामाबाद तक का ये सिलसिला जारी रखे और ढेर ढेर बधाई. और इतना तहलका मचाए ये फिल्म कि बिल्कुल पाकिस्तान भी याद करे कि हाँ कोई फिल्म भोजपुरी में भी बनी थी इलाहाबाद से लेकर इस्लामाबाद. जी अमरीश की बात करें तो अमरीश अगर इस पे सवार होने का मौका मिले इलाहाबाद से इस्लामाबाद तो सवार होना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मैं वैसे ही बड़ा हिंदुस्तानी हूँ तो बहुत शौक रखता है अपने पड़ोसी देश जाने का. तो शायद हो सकता है यही मौका हो इलाहाबाद से इस्लामाबाद जाने का, तो मैं बिल्कुल उस ट्रेन में उस सवारी जो जिसमें लोग सफर कर रहे होंगे और पूरी टीम के साथ मैं भी चलना चाहूंगा. अमरीश सिंह से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सारे भोजपुरिया लोगों का अमरीश सिंह की तरफ से. नमस्कार. हाँ, कितनी खुशी हो रही है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरी टीम को? सबसे पहले टीम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई. इतना शानदार टाइटल रखा उन्होंने इलाहाबाद से इस्लामाबाद, ताकि लोगों को लगे कि समथिंग डिफरेंट आ रहा है भाई. सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस फिल्म का एक पार्ट होने के नाते इंटायर क्रू को, इंटायर टीम को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक शानदार फिल्म बनने जा रही है. और ऊपर वाले नहीं चाहता आप लोगों को एक बहुत शानदार फिल्म देखने के लिए. बात करने के लिए आपको भी बहुत शुक्रिया. आप सभी लोगों को हार्दिक प्रणाम. भोजपुरिया दर्शक के नमस्कार. मैं ये देना चाहूँगा कि इसके जो निर्माता निर्देशक हैं उनको ढेर सारी बधाई और ये पिक्चर हिट हो, यही सब शुभकामनाएं. फ्रेंड्स नहीं नहीं आप मारो ना, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ. आप सर क्या कहना चाहेंगे इलाहाबाद से इस्लामाबाद फिल्म बन रही है और कितनी खुशी हो रही है और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? भाई मैं इस फिल्म के लिए साहिल सनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. जिस तरह उन्होंने शुरू किया है उस तरह ईश्वर उन्हें कामयाबी दे और कामयाबी के शिखर तक पहुँचाए. और ये टाइटल से ही मुझे लगता है कि इस फिल्म में बहुत बड़ा धूम धड़ाका होगा और बड़ी खुशी हुई. और आज इस मौके पर सभी लोगों को मैं शुभकामना व्यक्त करते हुए आप सबका लोगों का धन्यवाद करता हूं. और यहां पर जो जो लोग आए हुए हैं सबको इस भोजपुरी फिल्म्स की तरफ से और अपने यूनिट की तरफ से सबकी तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे?
मेरी तरफ से इस टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और एक बेहतर से बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश की जाएगी। बस पूरी टीम को। सर साहिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? साहिल के साथ बहुत सारी फिल्में आपने की है। साहिल बहुत क्रिएटिव लड़का है और जब भी वो कुछ करते हैं तो हमें ज़रूर बुलाते हैं और आशीर्वाद है मेरा, अच्छा काम करे। थैंक यू सर। बेटर कहानी तो बहुत अच्छी है, म्यूजिकली फिल्म है, इसमें कव्वाली भी है, कुछ गाने इसमें हिंदी हैं, कव्वाली आपकी हिंदी है, जो गाना इस्लामाबाद जैसे दिखाया जाएगा वहाँ पे मुजरा है वो भी हिंदी है और गाने चटपटे भी हैं, फिल्म की कहानी के हिसाब से बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं, म्यूजिक भी साहिल जी का बहुत बढ़िया है, गाना हम है, परिंदर राम है और भी एक गीतकार रहेंगे, अभी उनका चयन का बस यही है कि एक अच्छी फिल्म बनेगी। साहिल सूजी हुए डायरेक्टर हैं, बढ़िया काम। थैंक यू सर। पूरी टीम को तो शुभकामनाएं देनी ही चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के जरिए मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ, अभी तक सब आतंकवादी को ख़त्म करते पर मैं जड़ से आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता हूँ और बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम इलाहाबाद से इस्लामाबाद का नाम रोशन होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं नासिफ सर को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ क्योंकि वो केरल के हैं और केरल के होने के बावजूद ये भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, एक अलग भाषा के होने के बावजूद भोजपुरी फिल्मों से उनका प्रेम, तो सबसे पहले तो उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ये फिल्म उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो और सुपर डुपर हिट हो। साथ ही साथ जो हमारे शाहिद सनी जी हैं बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और हम सबका ये सहयोग है कि इस फिल्म को मिलजुल के कंप्लीट किया जाए, तो बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म बनेगी, उम्मीद यही है हमारी। थैंक यू।